ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। लेकिन आज का वाला जो एपिसोड है ना यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट एपिसोड में हमने एक सेलिब्रिटी की लैम्बोर्गिनी चुरा ली थी और यहाँ पर माइकल को शॉपिंग भी करवाई थी। तो इसके कपड़े देखो, बंदा खुश, देखो कितना ज्यादा, ये देखो, यही एटीट्यूड चाहिए था भाई, मतलब एकदम फुल छोड़ में है। तो गाइस, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि यार अपनी गेम में ट्रेवर को लाओ। तो गाइस, ट्रेवर जो है मिशंस करने से अनलॉक होगा, तो आज के इस वाले एपिसोड्स के अंदर हम कुछ मिशंस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, स्माइल मेरे को इसकी ना बड़ी अजीब सी लग रही है। अब यहां पर सबसे पहले माइकल को लेकर चलते हैं उसकी लैम्बोर्गिनी पे, और आज हम करने वाले हैं मिशंस भी करेंगे, मजे भी करेंगे। तो देख लो, सबसे पहले तो गैराज में हमारी लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, और यहां पर भाई साहब क्या ही साउंड है, क्या ही लुक है यार, मतलब मजा ही अलग है। अब यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं, पहले एक आध राउंड मारते हैं, फिर चलेंगे सीधा मिशन पर, और उसके बाद देखते हैं उस मिशन में क्या होगा, मजे काटेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं एक आध राउंड मारता हूँ ऊपर वाले साइड एरिया में ना, इसे चलाने में यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं इसे लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा आराम से चलाएंगे भाई, ठुकने का ना खतरा रहता है यार, बाकी ठुकती है ना तो फिर टूटी हुई लैम्बोर्गिनी अजीब सी लगती है। तो यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं सबसे पहले। ओहो हो भाई साहब, क्या पिकअप है, मतलब कि हल्की सी स्पीड पे ना थोड़ा नोटिस करना, जब मैं इसकी स्पीड देता हूँ ना भाई, ऐसे उड़ती है ये गाड़ी, क्या ही बोले। अब यहाँ पर मैं एक आध पहले राउंड मारूंगा, फिर इसे लेकर चलेंगे मिशंस करवाने कुछ। ओके, तो यहाँ पर ऊपर से गाड़ी आ रही है, और ये काफ़ी अच्छा एरिया लगता है ना, थोड़ा शिमला टाइप का लगता है, जो लोग शिमला गए हैं उन्हें पता होगा ये एरिया ना, एकदम शिमला जैसा लगता है हमें। ओहो, आगे एक रेड कलर का डॉट आ रहा है, शायद वहाँ पर कुछ फाइट वाइट चल रही है। ओह ओ ओ ओ ओ ओ, देखो देखो, एक लड़की को किडनैप कर रहे हैं वो लोग, मारूँ इन्हें, वैसे मेरे को मारना ही है इन्हें। अबे तो लेके वो किडनैप करके भग रहे हैं, तो साल रुको तुम्हारी भैंस की टांग, गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। अबे यार, एक तो मेरे पे कट्टा है, कोई चिकन भी नहीं। अबे तू कहाँ जा रहा है? अबे भाई साहब, ये बंदा क्या फिल्म था, इसको नहीं छोड़ूंगा, एक बंदे को तो मैं फोड़ना पड़ेगा। ओ भाई, वो भाई अच्छे प्लेयर हैं। हाँ नाइस भाई, गेट खोल के मार रहे हैं, उनके पास गन भी अच्छी है थोड़ी। कोई नहीं, हम लड़की को उसको बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, रुक जा, टेंशन मत कर, इनको तो मैं बताता। अरे है, स्कॉर्पियन चला रहे हैं लोग, स्कॉर्पियन चला रहे हैं भाई। कितने लोग हैं? चलो एक तो निपट गया, एक और निपट गया बेटा। ओ भाई, मेरे को उतरना चाहिए क्या गाड़ी से? ये अच्छा बंदा लग रहा है आखिरी वाला। हेलो, कैसे मार, ओए वापस कैसे उठ रहा है ये? चल तेरी ऐसे की लेट के चला रहा है, अब मत उठ जाइयो बेटा। ओके, तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमने अपनी लैम्बोर्गिनी घर से निकालते ऐसी तैसी करवा दी भाई, लेकिन यहाँ पर हमने एक लेडीज की जान बचा ली। ओके, डंटू में बेटा लपेट देते है, पूरा मारते थे को। चलो गाड़ी, अबे यार अब इसको ना छोड़कर आना पड़ेगा, पता नहीं कहीं बैठ गाड़ी में, देख रहे हो भाई, किस्मत हो तो ऐसी, मतलब यार एक तो मुसीबत में भी आई, इसको लैम्बोर्गिनी की राइड भी मिल गई, और सारा नुकसान मेरा हो रहा है। अब यहाँ पर इसको पता नहीं कहीं पर छोड़कर आना है। ओ ओ ओ ओ शिट यार, मेरा टायर भी पंचर हो गया आगे वाला, अब मेरे को गाड़ी पहले रिपेयर करवानी पड़ेगी। ओहो हो भाई साहब, इतनी ज़्यादा स्पीड है, मतलब मज़ा बहुत आता है यार लैम्बोर्गिनी चलाने में। अब रियल लाइफ में कैसा मज़ा आता होगा वो सोच लो भाई, गेम में इतना मज़ा आ रहा है, रियल लाइफ में तो एक अलग ही मजा आता है भाई। ओ ओ, ओ कोई गोली मार रहा है, कोई गोली मार रहा है साला। ओ भाई, ये कहाँ फंसवा दिया इस लड़की ने। ओ एक सेकंड, तू उतर साले। ओ भाई, गलत ही फंसवा दिया यार इस लड़की ने तो हमें। चलो एक और गया, ये भी गया, ये भी गया, चलो। ओ भाई, हेलो भाई साहब, क्या चला रहा है? चल अब नहीं छोड़ूंगा बेटा किसी को। चलो यहाँ पर ये लोग तो बिछ चुके हैं, और हमारी लैम्बोर्गिनी की ऐसी तैसी हो चुकी है पूरी की पूरी, अब इसे हमें फिर से रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो चलो कैसे भाई, हमने अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा लिया, अब इसे पता नहीं कहाँ पर जाना है, अभी इसे छोड़ कर आता हूँ। और भाई ये हाईवे बड़ा प्यारा है, मन तो कर रहा है गाड़ी एकदम उड़ा दूँ, बट यार कहीं ठुकने के चक्कर में ना मिशन ना फेल हो जाए। गाड़ी की स्पीड क्योंकि 300 तक जा सकती है, तो भाई बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 300 किलोमीटर पर आर भाई, मजाक हो रहा है क्या? चलो यहाँ से अभी हमें लेफ्ट लेना है। अबे भाई, काफ़ी अच्छे एरिया में रहती है लड़की। ओके, तो यहाँ पर इसे छोड़कर आ जाते हैं, देखते हो, और मौसम भी काफ़ी तगड़ा हो रहा है। तो ये है इसका घर, कहाँ कौन सा वाला घर है, अच्छा आगे वाला है। तो चलो यहाँ पर इसके घर पे हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। और यार इसने, इस लड़की ने मेरे को इतनी मुसीबत में फंसवा दिया, जितनी मुसीबत में तो ये नहीं थी जितना मैं फंस गया, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बेटा तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे को फंसाया कैसे, मुसीबत में ही होता। डोंट शूट, तेरी ऐसी की तैसी, क्यों ना मारूं। ओ हाँ चल चल। ओ भाई, भूत था क्या ये? ओ भाई, ओ हेलो, मर जा। ओ भाई साहब,
ओ भाई ये तो भूत है भाई 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 भाई, नहीं 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 यार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई। क्या कर रहा है, क्या कर रही है ये लड़की? ओ भाई, ओ भाई, ओ क्या हो गया इसे? मर मर साली, इसकी भैंस की टांग तेरी ऐसी की तैसी, मर क्यों नहीं रही है तू? अम्मा उठ जाइयो, चलो मर गई शायद, उठेगी तो नहीं भाई। ये भूत था क्या था? ओ भाई पुलिस मेरे पीछे अलग पड़ गई यार, क्या यार, एक तो मेरे भूत को मारा मैंने, जिंदा तो नहीं होगी ना कहीं, ठीक है भाई साहब, मेरा तो भूत से पाला पड़ गया आज यार। पुलिस भी आ रही है मेरे पीछे, एक आगे वाले कट से आ रही है, एक पीछे वाले। अबे आ जाओ बेटा, लैम्बोर्गिनी किस लिए लिया है? नहीं किस लिए लिया है, इसलिए लिया है कि तुम आकर हमें पकड़ो। तो भाई सामने मेरे एकदम बेसमेंट है, और यहाँ पर इसके नीचे मैं इस गाड़ी का साउंड सुनना चाहता हूँ। ये देखो भाई, ओहो भाई क्या साउंड आ रहा है यार। ओ भाई क्या जैम लगा रखा है तुम लोगों ने भाई, एक लेन में होकर चला लो या फिर दो लेन में होकर चला लो, पूरी चार की चार लेन घेर रखी है इन्होंने तो। अबे यार ये पुलिस मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? मेरे को मिशन करना है भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके तो फिलहाल अभी हमें एकदम आगे वाले कट से जाना है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई गाड़ी की स्पीड कितनी जाती है इस बारी। ओके तो काफ़ी सही चल रही है फिलहाल गाड़ी, 284 पर जाकर थोड़ी सी रुकी है, 292 एंड 300 पर। भाई साहब क्या कार है यार, क्या चीज़ बनाई है यार। ओके तो यहाँ से हमें बस राइट लेना है। ओ ओ ओ, ओ, ओ शायद मैं थोड़ा सा गलत आ गया हूँ, नहीं नहीं सही है सही है। तो चलो गाइस अभी हम फाइनली यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, काफ़ी पास है जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं, और देखते हैं यहाँ पर हमें करना क्या है। तो जहाँ पर हमें आना था वो लोकेशन हम आ चुके हैं लगभग, और राइट जाना है लेफ्ट जाना है भाई कहाँ पर, हमें तो रास्ता ही बता। ओके ओके यहाँ से रास्ता है, तो चलो गाइस सामने ही था मेरे वो जगह। अब यहाँ पर लाकर हम अपनी गाड़ी शांति से एक बारी पहले पार्क कर देते हैं और चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या सीन है। मेरे को तो लग रहा है काफ़ी खतरनाक, अजीब सा, तगड़ा सा भाई कोई मिशन होगा। ऊपर चलते हैं, चेंज गेट चेंज इनटू स्मार्ट आउटफिट एट योर। अरे भैया भाई ये गलत बात है यार, मेरे को अब आउटफिट चेंज करके आनी पड़ेगी। तो ओके गाइस अभी मैं ना घर से पूरे के पूरे अपने कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, अब दोबारा से अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और चलते हैं ऊपर। भाई साहब मतलब यार कपड़े पहनना जरूरी है, शायद कोई तगड़ा ही मिशन यहाँ पर मेरे को लग रहा है ऐसा होने वाला है, क्योंकि यार कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी। तो ये यार डार्नेल ब्रोस, शायद कोई सरकारी कारखाना मेरे को ये लग रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या सीन है। अरे भैया ये कौन है ऊपर? ओके तो ये गंजा देखते हैं, हमें शायद कोई काम देने वाला है इंपॉर्टेंट। चल भाई अंदर चल, देखते हैं क्या सीन है। ओके तो एकदम गेट वेट बंद कर दिया, शायद कुछ जबरदस्ती होने वाला है। तो भाई देखो सीन क्या है, अभी ये जो बंदा है ना ये कुछ एकदम हैकर टाइप का बंदा है एक टाइप से। अब यहाँ पर इसने ना माइकल को एक काम दिया, इनका जो प्लान है वो है एक ज्वेलरी शॉप में, बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप में चोरी करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसे लेकर चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर इनकी शॉप है ज्वेलरी वाले की। अब भाई देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचेंगे। इसकी गाड़ी इतनी, इन्होंने इतनी अच्छी प्यारी सी गाड़ी दी है ना, मेरी इतनी बढ़िया लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है वहाँ पर, ये नहीं कि उसमें बैठ के चल ले। अब पता नहीं इसकी कार में जाना है, तो चलो चलते हैं सबसे पहले इसकी कार में, और जहाँ पर हमें जाना है ज्वेलरी शॉप पर, अब वहाँ पर चलते हैं पहले। तो ओके गाइस अभी जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, और इसने हमें ना कुछ काफ़ी ज़रूरी चीज़ें बताई हैं। तो ये कह रहा है मैंने आपको एक गॉगल दिया है जिसके अंदर ना मतलब कि कुछ अजीब सा फंक्शन है जिसके थ्रू आप फोटोज़ को कैप्चर कर सकते हो, तो हमें इसके लिए वो फोटोज़ कैप्चर कर लानी है उस ज्वेलरी शॉप से। देखते हैं भाई ये हैकर है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पर मुझे जाना है ज्वेलर्स की शॉप पर, तो सबसे पहले चलते हैं ज्वेलर्स की शॉप पर। और यहाँ पर कौन सा कुत्ता भैया, कौन सी ब्रीड है? ओके 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 यहाँ पर हमें ई दबाना है ग्लास में एंटर होने के लिए। ओके तो ये है, यहाँ से हम इमेज कैप्चर करनी है इस तरीके से। तो ये वो ज्वेलरी की शॉप, देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैन एंग्लिसो, पता नहीं कैसे सा नाम है इनका। ओ भाई साहब इज्जत इज्जत मिल रही है। ओ भाई भाई भाई, ओके तो यहाँ पर ये है आंटी जी। तो देखो भाई माइकल की एक्टिंग देखो, अपनी वाइफ के लिए कह रहा है मेरे को ज्वेलरी खरीद दी है। चल भाई चल, ड्रामे मत कर। अब हमें फोटोज़ खींचनी है। ओके तो यहाँ पर हमें एक कैमरे की फ़ोटो खींचनी है, एक वेंटिलेशन की खींचनी है। अच्छा वेंटिलेशन नहीं, वेंस वेंस सॉरी, अलार्म कैमरा। ओके ओके ठीक है, देखते हैं। और ये जो लॉक है इसकी भी खींचनी है, तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। कैमरा इससे खोला मैंने और तीनों चीज़ें आ रही है कैमरे में एक ही बार में, एक एक करके खींचनी है क्या? तो हमने जो है फ़ोटोज़ जो है एकदम सही तरीके से खींच दिया। और यहाँ पर भैया इज्जत दो इज्जत, गेट खुला है हमारे लिए। अब यहाँ पर फटाफट चलते हैं वापस से उसकी कार में, देखते हैं क्या सीन है। उसने इन्हें पूरा का पूरा डिटेक्ट कर लिया, कि मतलब जो उसने पिक्चर्स मंगाई थी वो हमने कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पर चलते हैं, और ये हाँ अच्छा सिगरेट पी रही थी, सॉरी मेरे को लगा ऐसे रैप्टा दिखा रही है भाई, मैंने इसलिए मारा कसम से। आई एम रियली सॉरी, बहुत तेज दे दिया भाई इसके मुँह पर मैंने, सिगरेट पी रही है भाई ऐसे करके। अब इसे ले कहाँ चलना है?
ओके, तो हमें कोई रूफ पर जाना है यार, पता नहीं कौन सी रूफ पर जाना है। चलो चलते हैं, हमें कोई ना ऊंची जगह ढूंढने जिससे हम रूफ पर जा पाए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एरिया यहाँ पर। ओके ओके ओके, यहाँ से जा सकते हैं हम रूफ पर। तू यहीं बैठे रहे मोटे, अरे मैं ही जाऊँ हर जगह। भाई गाड़ी में बैठा हुआ चुपचाप है। अरे वैसे उसकी सॉरी उसकी टांग खराब है बेचारे की, मुझे पता नहीं था, इसलिए वो नहीं जा सकता, इसलिए वो हमारी हेल्प ले रहा है, वरना अभी तक तो वो सारा कांड अकेले ही कर चुका होता। तो यहाँ पर भी हम आ चुके हैं, अब छत पर भी आ गए हम। यहाँ पर देखते हैं कहाँ जाना है हमें। ओके, तो यहाँ से हमें बैक होना है बाहर, हम ओपन में आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर से अभी हमें और इमेज कैप्चर्स कर लानी है इसके लिए। ओके, तो जहाँ से वेंस की मतलब एयर कमिंग जो होती है, जहाँ से उसकी एयर बाहर आती है, हमें पहले वहाँ पर जाना है। तो यहाँ से हमें उसकी इमेज जो है कैप्चर करनी है। ये देखो, ये वाला वेंस है जहाँ से एयर बाहर निकलती है। ओके, तो यहाँ पर से एक ही बार में अपनी इमेज डन हो गई है। अब यहाँ पर चलते हैं सीधा इसके पास और यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं फटाफट। वैसे इस वाले मिशन में इतना खतरा तो नहीं था, बट जो हमारा चोरी का प्लान है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये वाली जो चोरी है ना भाई, बहुत बड़ी चोरी होने वाली है ज्वेलरी की शॉप में। आप खुद देख रहे थे बाहर, वैसे कोई सिक्योरिटी तो थी नहीं, डायरेक्ट गन दिखा के भी लूट सकते थे, बट यार पुलिस का खतरा रहता है ना। अब इस तरीके से चुराएंगे यार, किसी को ना पता तक नहीं चलेगा। ओ भाई, क्या प्यारा कबूतर था वहाँ पर। अब चलते हैं भैया, बाहर कहाँ से जाना है, वहीं से जाना है ना। ठीक है, मैं क्या छत से कूद जाऊँगा यार, काफ़ी जल्दी पहुँच जाऊँगा यार, इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ से लटक लटक के जाऊँ। चुप्पे, तो चलो अभी अपनी गाड़ी जो है बाहर ही खड़ी हुई है। अब चलते हैं इस गाड़ी में बैठ के, देखते हैं अब कहाँ जाना है, क्या पता अभी चोरी करनी हो। बाकी फर्स्ट जो काम है अपना स्टार्ट हो चुका है, अभी इसे घर पर ड्रॉप करना है क्या? अबे साले, घर नहीं जा सकते क्या गाड़ी चला के? चलो कोई नहीं। ओके ओके, हमें पहले गारमेंट फैक्ट्री में जाना है। अच्छा, वो गारमेंट फैक्ट्री इसी की तो है यार, उसी में रहता है। तो गाइस, अभी हम वापस से गारमेंट फैक्ट्री पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर ये रहता है गंजी टांड लेस्टर। अब इसको यहां पर हम छोड़ देते हैं, देखते हैं। ओके, आ गई। अब हमारी गाड़ी देख लो, यहां से गायब हो चुकी है। कोई नहीं, वो हमें अपनी पार्किंग में मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यार, गाड़ी मेरी ढंग से खड़ी करनी थी ना यहीं पर, ताकि मैं उसे लेकर ही घर जाता। तो यहां पर हमने इसे छोड़ दिया। और ये क्या कर रही है? फोटो किस चीज़ की फोटो निकलवाई है इसने? ओके, तो यहां पर बेचारा लंगड़ा है, इसलिए हमारी हेल्प ले रहा है काम वाम करवाने में। सीढ़ी वीढ़ी चढ़नी है वहां पर। तो भाई, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमें चोरी किस तरीके से करनी है। लाउड तरीके से, यानी कि आप फोटो बैकग्राउंड में देख पा रहे हो कि हम जाएंगे वहाँ, गन वन मार देंगे और पूरा कुत्ता बना देंगे सबका। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम चुपचाप जाएं, अपना स्मोक करके एकदम पूरा हाइड होकर जाएं और वहाँ से ले आएं। तो हम जाएंगे स्मार्ट तरीके से। बाकी मैं चाहूँ तो उस तरीके से भी चले जाऊँ, बट मैं स्मार्ट तरीके से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम स्मार्ट वाला तरीका चूज़ करेंगे। तो ओके गाइस, अपना जो फर्स्ट टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब हमारा चोरी का प्लान यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं भाई साहब क्या करना है हमें आगे। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं फ्रैंकलिन के करेक्टर पर। अब यहाँ पर हमने बहुत टाइम से फ्रैंकलिन से कोई भी मिशन नहीं करवाया, तो अब हम खेलने जाएंगे फ्रैंकलिन से, और इससे काफ़ी सारे मिशन अभी करवाने बाकी हैं। अब यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो कितनी ज़बरदस्त एक हार्ले डेविडसन टाइप एक बाइक खड़ी हुई है। अब यहाँ पर ये बाइक जो है फ्रैंकलिन ने बीच से चुराई थी और इसको फुल मॉडिफाइड करवा दिया है। इस बाइक का साउंड सुन के डर जाओगे। ये देखो, ये देख रहे हो भाई, बाइक का साउंड है, ऐसा साउंड कार्स का होता है। अभी जब ये चलेगी ना तो अलग साउंड निकलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हमें एक फ्रैंकलिन से कौन सा मिशन करवाना चाहिए। तो यहाँ पर इसे मैं सोच रहा हूँ लेकर चलते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मिशन यहाँ पर लग रहा है। अब इसको मैं सीधा यहाँ पर से भगा कर ले जाऊँगा। ओके भाई 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 भाई, क्या स्पीड है यार बाइक में, मतलब कि क्या ही बोलें, स्पीड देख रहे हो तुम बाइक की। तो चलो गाइस, अभी जहाँ पर हमारा मिशन था वहाँ पर आ चुके हैं, और इस घर के अंदर हमें जाना है। काफ़ी पुरानी सी जगह लग रही है, जैसे कोई बंदा यहाँ पर पहले रहता हो काफ़ी टाइम पहले। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ और चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीन है। शायद इस सीढ़ियों के ऊपर जाना है, और ये किसी का घर लग रहा है काफ़ी। ओए, फोटो खींच दी इसने। उसकी आँख में बेचारे के फ्लैश लग गया। तो चलो गाइस, यहाँ पर जो लिमोजिन जा रही है ना, इसके अंदर कोई शायद बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो कैमरा मैन है ना, इसकी फोटो खींचना चाहता है, तो हमें शायद पेड मतलब कि कुछ पैसे देगा इसके बदले। तो यहाँ पर हम वैसे ना उस जो अपनी बाइक है उसके एकदम साइड में रखने, उसकी कार के। खींच भाई, खींच ले भाई, क्या हो गया ये, ले अब खींच, आराम से खींच, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो लोग चोड़ में भी आएंगे, बॉडी गार्ड्स बुलाएंगे, तो मैं हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई साहब, वो बंदे की स्पीड देखो कितनी तेज भगा रहा है भाई वो।
मतलब कि हमने कम से कम 5 से 6 फोटो का खींची भाई, ये तो पागल ही हो गया। ओहो ओ, 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 ये क्या है? ये कौन आ गए सिक्योरिटी में? इसको मारू बताओ। ओ भाई ये लोग भी फोटो खींच रहे, क्या हो रहा है ये? ओ भाई बेचारा सेलिब्रिटी यार, कसम से सेलिब्रिटी की लाइफ यार ऐसी होती है ना यार, बहुत खतरा होता है बाहर यार, क्या ही बोले। अच्छा इन्हें मारूं, गिर ले, 1 मिनट में मार देंगे ने तो। चल साले खत्म, अब बता क्या दिक्कत है। और मारूं, खुश रहे भाई वस्तु। अच्छा पुलिस भी पीछे पड़ गई, आ जाओ बेटा तुम भी आ जाओ। एक तो तुमने बाइक इतनी अच्छी दी है ना मेरे को, मैं क्या बताऊं, इतनी प्यारी इतनी अच्छी बाइक है, मतलब कि 800 की स्पीड में चल रहे भाई सभी। तो गाइस यहाँ पर जो अपना मिशन था वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमने अब पुलिस से भी पीछा छुड़ा लिया है, अब बस इसको जहाँ पर से उठाया था इसे वापस हमें वहीं छोड़ कर आना है। लेकिन यार सीन पता क्या हुआ, वो जो लिमोजिन थी ना यार वो मेरे को चाहिए थी, मतलब कि यार नज़र यार क्या ही बोले, इतनी प्यारी गाड़ी है ना उससे नज़र हटी नहीं रही थी। अब यहाँ पर चलो लेकर चलते हैं इसको, पहले इसके घर पर छोड़ कर आते हैं, अब बस वहाँ पर से मेरे को मेरी बाइक मिल जाए वरना कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से मंगवा लेंगे अपने गैराज से। अब बेटा मारूंगा चुपचाप, घर निकल जाए, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो गाइस हमारा जो मिशन था वो पास हो चुका है और हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया है बेवरली का। अब यहाँ पर हम बुलाएंगे माइकल को, क्योंकि बेटा उसने गाड़ी खरीद लिया लेकिन अभी तक पार्टी नहीं दी, तो बेटा बाहर निकलो माइकल जी। तो अभी हम आ चुके हैं फ्रैंकलिन को लेकर माइकल के घर पर। अब लेकिन जो कार है वो चलाएगा भैया फ्रैंकलिन, क्योंकि माइकल तो हमेशा चलाते रहता है, आज फ्रैंकलिन चलाएगा। तो आ जाओ भैया माइकल बैठ गाड़ी में, अब देखते हैं इसे कहाँ पर लेकर चलेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ यार कहीं पार्टी वार्टी करने चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो हमने अपनी यहाँ से गाड़ी बाहर निकाल ली है, अब लेकर चलेंगे इसे। ओ ओ ओ ओ भाई क्या स्पीड है, ओ भाई साहब इतनी ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हमें, काफ़ी सारी मतलब एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो यहाँ पर हम वाइन की शॉप पर भी जा सकते हैं और भी बहुत कुछ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वाइन की शॉप पर जाना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो यहाँ से पास भी है और मज़ा भी आएगा, ये दोनों अपना ड्रिंक करेंगे आराम से, ऐश काटेंगे। अब देखते हैं भाई क्या स्पीड जाती है इस गाड़ी की हम नॉर्मल रोड्स पे, मतलब ट्रैफिक के बीच में कितनी स्पीड गेन कर पाता हूँ। ओ भाई 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 ओ ओ ओ भाई क्या चलती है यार ये गाड़ी, मतलब कसम से ये गाड़ी चलाने के बाद ना और कोई कार अच्छी नहीं लगती है भाई, सीधी बात है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वाइन शॉप आ चुकी है हमारे आगे, ये पता नहीं कौन सी शॉप है। फिलहाल हम अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देते हैं और भाई साहब बंदे खुश हो जाएंगे, इतनी महंगी गाड़ी उनकी शॉप के बाहर पार्क हुई है। अब ये दोनों अपना जा चुके हैं चिल मारने अंदर, हैप्पी आर्स शॉप का नेम है, मतलब हैप्पी आर्स तो कुछ और है शायद, पता नहीं ये है वैसे शॉप का नेम, सिंगल टॉन्स पता नहीं क्या है। अब यो ओ भाई ओ भाई 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 ये क्या कर दिया भैया तुम दोनों ने, तो इतनी ज़्यादा पी ली भाई। ओ ये क्या हो रहा है, ओ भाई ये क्या सीन है, चढ़ गई भाई चढ़ गई, गलत वाली चढ़ गई इन लोग को तो। ओ भाई साहब भाई माइकल को भी चढ़ गई, फ्रैंकलिन को भी चढ़ गई, अब गाड़ी कौन चलाएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। अब फिलहाल हमें माइकल को ना ड्रॉप करना पड़ेगा वरना भैया प्रॉब्लम हो जाएगा यार। ओ ओ ओ ओ भाई ये क्या हो गया इन दोनों को, इतनी ज्यादा क्यों पी ली इन्होंने। ओ भाई हेलो हेलो आंटी जी हट जाओ, हमने पी लिया। ओके तो हमें बस यहाँ से राइड लेना है। ओके तो लग रहा है माइकल यहीं पर उतरेगा, उसका भैया गाड़ी वाड़ी में बैठने से चक्कर आ रहे हैं क्या तेरे को। चलो तो ये कौन सी शॉप आ गई अब, तो ओके ठीक है भाई माइकल यहीं से जा रहा है, कह रहा भैया मेरे बस की ना है, तो माइकल यहीं से निकल गया। अब ये जो गाड़ी है हमें यार माइकल के घर पर पार्क करके आनी पड़ेगी वरना यार गाड़ी चोरी हो जाएगी हमारी, इतनी महंगी कार है। तो ये है माइकल का घर, मैं इसके घर पर सीधा पार्क कर कर आ जाता हूँ बस। और भाई साहब फ्रैंकलिन को नशा उतर भी गया भाई साहब, ये क्या ड्रामे कर रहा था क्या गाड़ी चलाने के लिए, देख रहे हो एकदम सही हो गया। अभी जब तक माइकल के साथ बैठा हुआ था तब तक एकदम वैसे जैसे फुल नशे में हो, और अब इसका सारा नशा उतर गया भाई। तो चलो यहाँ पर बस हमें आगे वाले घर से राइट लेनी है और माइकल का जो घर है यहाँ से आ जाएगा। और ये फ्रैंकलिन बड़े सस्ते से एरिया में रहता है, तो यार फ्रैंकलिन के लिए भी कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यार फ्रैंकलिन के पास पैसा तो है कि वो घर खरीद ले, ऐसी बात नहीं है। ओके तो यहाँ से हमें अंदर लेनी है बस गाड़ी और अपना माइकल आके उठा लेगा, हम पार्क कर देते हैं यहीं पर इसकी पार्किंग में। तो ये है इसकी पार्किंग, तो यहाँ पर मैं इसकी गाड़ी पार्क कर देता हूँ अभी, ये तो बीच में लगा दूंगा मैं, रुक जाओ थोड़ी सी राइट में लगा देता हूँ। तो ओके यहाँ पर हमने जो गाड़ी है पार्क कर दिया है, अब चलते हैं भैया अपने फ्रैंकलिन को लेकर उसके घर पे। तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाला जो गेम प्ले जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक करना। और यार मैं सोच रहा हूँ कि यार फ्रैंकलिन के लिए वो जो इसकी बाइक मैंने आपको दिखाई थी वही बढ़िया, या फिर कोई न्यू बाइक हमें खरीदनी चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।